स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हमारे इस प्रोग्राम के नाम से अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी टॉप नाइन तमाम हॉट स्पाइसी खबरें बताने वाली हूँ। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार कौन सी है वो मजेदार टॉप नाइन खबरें जो इस टाइम काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में कुछ दिनों पहले जयपुर में उमंग केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे सलमान खान, जहां पर सलमान दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताते हुए दिखाई दिए। वहीं जब सलमान यहां से जाने लगे तो एक बच्चे ने सलमान को 50 रुपए का नोट दिया। इसे देखकर सलमान खुश भी हुए और भावुक भी। क्या कुछ उन्होंने मीडिया को दिखाया आप देखिए हमारे इस वीडियो में। किया गया एक रेस्टोरेंट के बाहर जहां ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी सुनील शेट्टी की बेटी आसिया। अजित भाई वेट एक सेकंड। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के करियर में कई सारे अप्स एंड डाउन आए और उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में भी की। इनमें से कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो काम नहीं कर पाई और जबकि कुछ फिल्में ऐसी थी जो काफी ज्यादा हिट साबित हुई। अब जबकि रणबीर कपूर जो कि फिल्म संजू से दोबारा धमाकेदार वापसी कर चुके हैं, करियर के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर ने बताया कि वास्तव में सक्सेस को हैंडल करना बेहद आसान है। सब आपकी तारीफें करते हैं लेकिन कहते हैं जब आप असफल होते हैं तो आपको जोर से थप्पड़ लगता है और आपको एहसास भी नहीं होता। पर बता दें कि और ये चीजें यहाँ तक की तुरंत नहीं घटती है। पर बता दें कि रणबीर कपूर ने जहाँ एक तरफ सक्सेस की बात की तो वहीं फेलियर के बारे में बात करते हैं नजर आए। इन दिनों बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हर जगह छाई हुई है। हाल ही में श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है। तो वहीं इन दिनों श्रद्धा कपूर शाहिद कपूर के साथ अपनी आने वाली फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू को लेकर भी खूब चर्चा में है। तो वहीं इसी दौरान श्रद्धा कपूर ने देश की सबसे बड़ी समस्या को लेकर भी बातें कही है। जी हाँ, दरअसल श्रद्धा से पूछा गया कि आपके हिसाब से और कौन से मुद्दे हैं जिन पर फिल्में बननी चाहिए। तो इस बात को जवाब देते हुए श्रद्धा कपूर ने कहा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जैसे जेंडर इक्वालिटी, औरतों की सुरक्षा और साथ ही उनके सपनों को पूरा करना। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग क्या सोचेंगे। आमतौर पर रात में लड़कों को घर से बाहर जाने दिया जाता है लेकिन लड़कियों को रोका टोका जाता है। मेरे कई दोस्त हैं जिनके जीवन में जेंडर इक्वालिटी के कारण कई समस्याएं नहीं हैं। मैं खुद को फेमिनिस्ट मानने के बजाय ह्यूमैनिस्ट कहलाना पसंद करती हूँ। मैं स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान करती हूँ। जेंडर इक्वालिटी पर फिल्म करने का मौका मिला तो मैं जरूर करना चाहूंगी। बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी जिन्होंने थ्री इडियट्स फिल्म में अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था, उनकी बहन अब लापता हो गई हैं।
और अब शर्मन अपनी बहन का पोस्टर लिए उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल ये शर्मन की आने वाली फिल्म काशी इन सर्च ऑफ गंगा की कहानी है, जिसमें शर्मन की बहन गंगा लापता हो जाती है और शर्मन अपनी बहन को पोस्टर लेकर ढूंढने निकल जाते हैं। तो फिर देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी कि शाहरुख खान जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर खूब चर्चा में है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले शाहरुख खान एक टीवी शो में नजर आने वाले हैं। जी हां, किंग खान जल्द छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि ये कोई नया शो नहीं होगा, बल्कि शाहरुख खान के ही पुराने टीवी शो को रीटेलीकास्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि शाहरुख ने टीवी से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। फौजी और सर्कस ने शाहरुख को इंडस्ट्री में पहचान दिलवाई और आज वो इस मुकाम पर है जहां पहुंचने का सपना हर एक्टर देखता है। शाहरुख के करियर की शुरुआती एक्टिंग से बेखबर यंग जनरेशन को दूरदर्शन अब उनके शो सर्कस को रीटेलीकास्ट कर तोहफा देने जा रहा है। हरियाणा की शान सपना चौधरी जो इन दिनों हर जगह छाई हुई है अपने ठुमकों से, पूरे देश को अपना दीवाना बनाने वाली सपना चौधरी का स्टारडम इन दिनों सातवें आसमान पर है। हर जगह सपना चौधरी छाई हुई है, तो वहीं अब सपना चौधरी बॉलीवुड में भी जल्द से जल्द एंट्री करने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें, सपना चौधरी का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सपना चौधरी कार की बैक सीट पर बैठी हुई है और अपने पल्लू के साथ गोविंदा के गाने किसी डिस्को में जाए पर डांस करती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, सपना चौधरी के साथ बैक सीट पर उनकी दोस्त बैठी हुई है और फ्रंट सीट पर उनका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, जिसके बाद सपना चौधरी गोविंदा के गाने पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आई है। और सोशल मीडिया पर सपना चौधरी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को थोड़ी ही देर में कई सारे लाइक्स और कई सारे व्यूज भी मिल चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सुई धागा को लेकर चर्चा में है, तो वहीं आपको बता दें, अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। जब से अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी की है, तभी से ही अनुष्का शर्मा अपने क्रिकेटर पति विराट कोहली के साथ कई बार कोजी होती हुई भी नजर आई हैं। लेकिन शादी के इतने महीने बाद अनुष्का शर्मा ने अपने क्रिकेटर पति विराट कोहली को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का ने कहा, मैं और विराट अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह ही जीते हैं। हम एक दूसरे को अलग अलग इंसान नहीं मानते हैं, हम एक दूसरे के मेल और फीमेल वर्जन हैं। इसी वजह से हमारा रिलेशनशिप इतना ज्यादा अच्छा है। वही भाई, आपको बता दें, अनुष्का शर्मा के इस बयान से तो ये साफ हो ही जाता है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पति पत्नी के अलावा एक दोस्त भी है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है। वही जिस तरीके से अनुष्का शर्मा अपनी फिल्मों में बिजी रहती हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली जहां अपने मैचेस को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, वही ये दोनों एक दूसरे को टाइम देना भी बिल्कुल नहीं भूलते हैं। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर आमिर खान को शायद ऐसे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता। जी हां, जानकारी के लिए बता दे कि इन दिनों आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर खूब चर्चा में हैं। तो वहीं आमिर खान ने अपनी फिल्म हिट करवाने के लिए एक अजीब से पैतरे आजमा लिए हैं। जी हां, दरअसल खबरों की माने तो फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल 7 नवंबर की जगह 8 नवंबर के दिन रिलीज की जाएगी और फिल्म की रिलीज डेट को चेंज करने के पीछे आमिर खान का बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, दरअसल आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने मेकर्स को सलाह दी है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को दिवाली के अगले दिन रिलीज किया जाए। वो जानते हैं कि अगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दिवाली के दिन आती है तो इसके शाम के शोज में गिरावट आएगी, क्योंकि सभी हिंदू लक्ष्मी पूजा में व्यस्त रहेंगे। यही कारण है कि अब फिल्म दिवाली के अगले दिन रिलीज की जाएगी। इससे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला दिन शानदार रहेगा
और फिल्म की शुरुआत से ही रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू कर देगी। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये थी आज की हमारी मजेदार टॉप 9 तड़कती भड़कती खबरें, जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन में तो अपनी एक खास जगह बना ही चुकी हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई भी हुई हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि भाई आप हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन आप निराश न होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसी ही कुछ मजेदार टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट 9 न्यूज, और बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।